अनुच्छेद 22 में क्या है, बंदीकरण की अवस्था में, बंदीकरण की अवस्था में प्राप्त अधिकार, या यूं कहूं कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, तो इस 22(1) और 22(2) में तीन अधिकार दिए हुए हैं। कौन कौन से? नंबर एक, गिरफ्तारी का कारण जानना, गिरफ्तारी का कारण जानना। हर एक व्यक्ति को यह अधिकार है कि उसे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, इसका वो कारण जान सकता है। अपनी पसंद के निजी वकील को विधि व्यवसायी कहा गया है। अपनी पसंद के निजी वकील या विधि व्यवसायी से परामर्श प्राप्त कर सकते हो। और तीसरा संरक्षण है 24 घंटे के अंतर्गत निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष, और मजिस्ट्रेट केवल मजिस्ट्रेट शब्द यूज हुआ है, ना न्यायिक ना आपका कार्यपालक, निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश। ध्यान से देखना, अनुच्छेद 22 किसी गिरफ्तार व्यक्ति को कौन से तीन अधिकार देता है? अतः बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण, या बंदीकरण की अवस्था में प्राप्त अधिकार, आप संरक्षण भी कह सकते हैं इसको, कि बंदीकरण की अवस्था में क्या क्या संरक्षण प्राप्त हो रहा है, वो ये है। तो गिरफ्तारी का कारण जानना, पुलिस किसी व्यक्ति के पास गई है और पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया, करना चाहा, वह व्यक्ति कहता है ठहरिए इंस्पेक्टर साहब, अब वारंट लाए हैं क्या? और पुलिस कहती है कि यस, हमारे पास वारंट है मजिस्ट्रेट द्वारा जारी। आरोप क्या है मेरे ऊपर? तो आरोप बताते हैं कि फला धारा अंतर्गत और आपने यही अपराध किया है, और ये अपराध जो है ये संज्ञेय है, अपराध है, नॉन बेलेबल है, बेलेबल है, जो भी है, गिरफ्तारी का कारण बता दिया गया है। बिना वारंट के गई पुलिस को वापस लौटा सकेगा। यदि व्यक्ति मानपूर्वक, अच्छा, सम्मान वाला है, समाज में इज्जत है, तो पुलिस जल्दी से उस पर हाथ नहीं डालती है, फिर वो वारंट के साथ जाएगी। और यदि आप बिना वारंट के गए हैं तो आपको बैरिंग लौटना पड़ सकता है। अतः गिरफ्तारी का कारण प्रत्येक व्यक्ति जान सकता है। अगर गिरफ्तार करके ले आए हैं थाने में, तो अब सबसे पहले आप डिमांड कर सकते हैं कि मुझे मेरे वकील से परामर्श करना है। मेरा वकील, नाम बता दीजिए आप जिसको जानते हैं, या फिर पुलिस किन्हीं वकीलों का नाम बताएगी आपको, एक वकील आपसे परामर्श देने के लिए हाजिर हो जाएगा। आपके वकील के और मुवक्किल के बीच में, यानी वो अभियुक्त तथा कथित अभियुक्त है अभी जिस पर आरोप लगा है, वो और वकील आपस में क्या बातें करेंगे, इसमें पुलिस और कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। ये उन दोनों का आपसी मामला है, और वो दोनों आपस में बात करके फिर आगे मामला जाएगा अपराध की संस्वीकृति की ओर। तो फिर उससे अभियुक्त से लिखवाया जाता है कि यस, आपने ये अपराध किया था कि नहीं किया था। और तीसरा संरक्षण है, आपकी गिरफ्तारी जिस समय हुई है, मान लीजिए इस समय 5:38 हुआ है, कल 5:38 से पहले आप निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष, यानी पुलिस निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगी। यदि शांति भंग में 151 में गिरफ्तार है, तो तहसीलदार SDM के यहाँ पेश करेगी,
और किन्हीं और आईपीसी सीआरपीसी सेक्शन के तहत अरेस्ट हुआ है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। ध्यान रहे, इस 24 घंटे में वो समय नहीं जोड़ा जाएगा जो थाने से न्यायालय के बीच का है, जो थाने से एसडीएम कोर्ट के बीच का है। मान लीजिए रास्ते में कोई शांति भंग हो गया, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो गई है, तो वापस हो सकता है उसको वहां रखा जाए और उस मामले से निपटने में लग गई है पुलिस, बाढ़ आ गई है, रास्ता कट गया है, आप नहीं जा सकते, अपने ज्यूरिसडिक्शन वाले कोर्ट में पेश नहीं हो पा रहे हैं। तो ध्यान रहे, निकटतम शब्द है, निकटतम का मतलब है आपके यहाँ बगल वाले या आपके ज्यूरिसडिक्शन क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में नहीं पहुंच रहे हैं तो दूसरे वाले में पहुंच जाइए। आप जरूरी नहीं है आप वहीं पहुंचे, रास्ता नहीं है, दूसरे के यहाँ चले जाइए। निकटतम शब्द है, थाने के चारों आठों दिशाओं में जहां आपके नहीं जाना हो रहा है, जो निकटतम है वहां पेश कर दीजिए आप, लेकिन पेश करना पड़ेगा। छुट्टी का दिन मान्य नहीं होगा, कोई सोचे कि संडे आ गया, कोई सोचे होली आ गई, ईद आ गई, दिवाली आ गई, नौ कोई छुट्टी उट्टी नहीं होगी। 24 घंटे का मतलब 24 घंटे एसडीएम को, एडीएम को, तहसीलदार को मुख्यालय छोड़ने की परमिशन नहीं है। मुख्यालय छोड़ेंगे कलेक्टर की अनुमति से छोड़ेंगे। थाना अधिकारी, डीवाईएसपी, एडिशनल एसपी मुख्यालय नहीं छोड़ सकते हैं। जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट हैं उनमें 5 जने एक जगह हैं या 7 जने हैं, जेएम, एसी, जेएम, एडीजे तक, उनमें कोई एक व्यक्ति संडे को रिमांड ड्यूटी पे रहेगा और वो व्यक्ति घर पे ही उन मामलों को सुन सकेगा या दूर बैठा है कोई 200-250 किलोमीटर तो कोर्ट में आकर के भी बैठ सकता है, संडे वाले दिन भी, दिवाली वाले दिन भी, दुलंडी वाले दिन भी, लेकिन छुट्टी मान्य नहीं होगी। हाँ, बस इतना अपवाद है कि आप थाने से न्यायालय में ले जा रहे हो, वो समय जो है वो कंसिडर कर देगा जज कि भाई कारण बता दिया आपने जज को कि साहब मैं 4 घंटे लेट इस वजह से हुआ और बाढ़ आ गई थी, नदी आ गई थी, एक्सीडेंट हो गया था, हम सर समर्थ नहीं थे इनको लाने में, तो माफी चाहते हैं, अब ले आए। तो जस्टिस उसको क्या कर देता है कि ठीक है, ओके। लेकिन राठौड़ी में आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, रोजनामचे में आपको रपट डालनी होगी, थाने की गाड़ी निकलती है तब भी टाइम नोट करके निकलते हैं, कायदा तो ये है, आप जिसको गिरफ्तार करके ला रहे हो थाने में घुसे हो, टाइम डालते हो, इस अभियुक्त को हम इस समय ले आए हैं, कैसा अभियुक्त है, हार्डकोर है, सामान्य अपराधी है, ये सारी चीजें पुलिस को मेंटेन करनी पड़ती हैं। तो ये 3 संरक्षण है,